हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एसओ रिक्रूटमेंट की कंप्लीट एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइए। कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो एवरीवन, और बहुत बढ़िया से सारी चीज समझिएगा क्योंकि यहां पर मैं सारे आपके आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंस, बैंकिंग सभी का सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो फेस वन एग्जाम होने वाला है उसमें आपके होंगे 200 क्वेश्चंस, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होंगे, चार सेक्शंस होंगे, दो घंटे का पेपर आपका होगा। चार सेक्शंस जो होंगे वो होंगे आपके यहाँ पे रीजनिंग, देन इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो चार सेक्शन देखिए आपके हैं, हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। और कंबाइंड टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है 2 आवर्स का, जिसमें कंप्लीट पेपर आपको यहां पर बनाना है। कहीं आप क्वालिफाई कर जाते हैं एवरीवन, तो नेक्स्ट आपको यहां पर होने वाला है इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट इससे पहले फेज वन के बारे में सारी चीजें यहाँ पर टेबलो फॉर्म में देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांट्स हो गया, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया आपका। चारों सेक्शन में देख सकते हैं आप 50-50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। मार्क्स भी 50-50 है, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 200, मार्क्स भी हो गए 200, और कंबाइंड टाइम आपका है 2 आवर्स का, ठीक है एवरीवन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं ये आप यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, तो नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में जाने वाले हैं जो यहाँ पर फेज वन क्वालिफाई करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन विच इज 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो आपको 60% मार्क्स लेकर आने होंगे तभी आप यहां पर क्वालिफाई कर पाएंगे ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर आगे चलते हैं इसके बाद, और फटाफट से सारा कुछ सिलेबस हम यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की, कि मार्केटिंग ऑफिसर के प्रोफेशनल नॉलेज में आपका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जो 50 क्वेश्चंस होंगे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, उसमें यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है इंश्योरेंस मार्केटिंग, देन मार्केटिंग ओवरव्यू, प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन स्ट्रेटजीज, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, पर्सनल सेलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, बैंक मार्केटिंग, होलसेल ट्रेड, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ में आगे देखिएगा एवरीवन, रिटेल ट्रेड, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेस मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन चैनल्स, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मार्केटिंग प्रोग्राम, सेल्स फॉरकास्टिंग। तो ये है आपके एवरीवन कंप्लीट सिलेबस जो मार्केटिंग ऑफिसर में आपका आने वाला है। आगे मैं आपके लिए यहाँ पर जो है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की भी बात करूंगा, बट पहले जो प्रोफेशनल नॉलेज में आपके जो मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस तो आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता होगा तो कहीं भी आपको मिल सकता है आसानी से। इसके बाद में देखिएगा आईटी ऑफिसर की हम बात करते हैं, तो इसमें सिलेबस आपका देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस ऑफिस, DBMS types, basic programming concepts, advantages function, operating system function, Windows OS, network security, और इसके बाद में आगे देखिएगा programming, web technologies, basic knowledge of hardware like microprocessors, ALU। तो ये complete syllabus हो गया आपका IT officer का। Next इसके बाद चलते हैं, देखते हैं banking and finance में आपका यहाँ पर कौन कौन से topic हैं। सबसे पहला है banking and insurance management, then human resource management, managerial economics, operations management, marketing management, merchant banking, corporate communication, accounting and finance for managers, operation management, research method for management, mutual fund management, strategic management। तो ये सारे आपके सिलेबस हैं एवरीवन। आप बिल्कुल ये वीडियो देखकर यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये आप आगे बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर पाएं। तो देखिए, ये तो आपके थे प्रोफेशनल नॉलेज के टॉपिक्स।
इसके बाद में हम यहाँ पर फटाफट से देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। देखिए जो बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क का आपका सिलेबस होता है क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, देखा जाए तो वही सिलेबस भी यहाँ पर आपका आने वाला है। देख सकते हैं आप लोग पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, पार्टनरशिप, देन सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स, एवरेज एरिया, ये सारे देखिए वही टॉपिक हैं जो आपके बैंक पीओ क्लर्क में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है एवरीवन, इसके बाद में आप आगे देखिएगा चेन रूल, रेसेस एंड गेम्स, एलिगेशन और मिक्सचर, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मतलब देखा जाए तो पूरा अरिथमेटिक आपका यहाँ पर आने वाला है। प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एलसीएम, हाइट एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकर्स डिस्काउंट, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है एवरीवन, तो पूरा आपने देखा कि पूरा बैंकिंग का सिलेबस ही यहाँ पर था। देन रीजनिंग में भी हम देख सकते हैं पूरा बैंकिंग का सिलेबस ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अरिथमेटिक रीजनिंग है, सिलॉगिज्म, एनालॉजी, क्यूब्स, डाइज, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, देन स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एम्बेडेड फिगर्स हो गए आपके, मिरर इमेजेस, क्लॉक कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन डिस्टेंस, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी। तो ये सारे देखिए आपके बैंकिंग के ही सिलेबस हैं। और इंग्लिश में भी आप बिल्कुल देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, पैरा कंप्लीशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन। तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके इंग्लिश के। और पांच टॉपिक यहाँ पर और हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जॉइनिंग सेंटेंस, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग टेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद करता हूं एवरीवन यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सिलेबस भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए एवरीवन। कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, हेल्प कर दे। ठीक है एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।